ये भारत माँ है मेरी, ये अलल ऐलान लिख देना, और हमारी जिंदगी पर कितने हैं एहसान लिख देना। ये किसका मकबरा है, ये दुनिया वाले जान जाएंगे, हमारी कब्र के ऊपर पे हिंदुस्तान लिख देना। आप लोगों ने पता है कि कब्र के ऊपर एक पत्थर लगता है, देखा होगा आप लोग कभी गए होंगे तो, हमारी कब्र के पत्थर पे हिंदुस्तान लिख देना। और सुमित बाबू ये दो पंक्तियां मेरे लिए कह रहा हूं, दीन धर्म की बात जब आए तो धर्म मेरा इंसानी लिखना, दीन धर्म की बात जब आए तो धर्म मेरा इंसानी लिखना, और मेरी जब भी कहानी लिखना मुझको हिंदुस्तानी लिखना। महेंद्र बाबू ये चार पंक्तियां नहीं सुना रहा हूं आज, भारत के बड़े प्रसिद्ध कवि हुए हैं मुनव्वर राणा, उन्होंने कहा कि आ गई है तो रहेगी नहीं जाने वाली, आ गई है तो रहेगी नहीं जाने वाली, और मेरे सर से ये सफेदी नहीं जाने वाली, अरे मैं मरूंगा तो यहीं दफन किया जाऊंगा, मेरी मिट्टी भी कराची नहीं जाने वाली। जो देशभक्त हैं, जो भारत माँ से प्यार करते हैं, बहे खून मेरा चमन के लिए, बहे खून मेरा चमन के लिए, जो लोग भारत माँ के लिए जान दे सकते हैं वे लोग बोलेंगे, और जो ओवैसी के साथी होंगे वे नहीं बोलेंगे। बहे खून मेरा चमन के लिए, सभी लोगों ने बोलना है, आप लोगों ने भी बोलना है, जो जो भारत माँ की लाल है, बहे खून मेरा चमन के लिए,
विजय सिंह बाबू, ये अभी लॉन्च होनी है, ये पहली बार मंच पर गा रहा हूँ, और ये जो कौन सा वीडियो है, नीलम वीडियो है, इसको देखकर, इसको सुनकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने की आंखों में आंसू आ गए। कैसी भी देशभक्ति होती है, तो ये वहां पर राष्ट्रपति भवन में गाया गया। मैंने इसमें थोड़ा वेरिएशन किया, वहां पर चांद कादरी जी ने गाया, यहां पर मोइनुद्दीन गा रहा है। बहुत ईमानी की बात करता हूं मैं, बेईमानी की बात नहीं करता। उन्होंने अपने मिजाज से गाया और बहुत अच्छा गाया, और जैसा टूटो फूटो मुझे याद है, मैं सुना रहा हूं, क्योंकि वो आप तक नहीं पहुंच सकते, मोइनुद्दीन आप तक पहुंच सकता है। बहे खून मेरा चमन के लिए, 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 चमन के लिए मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। आप लोगों ने बोला है मेरी जान जाए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए। ये एक बार बिल्कुल गर्मा दो माहौल को, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए, मेरी जान जाए वतन के लिए। मर भी जाऊं तो मुझे कोई चिंता नहीं, ईमान की बात कह रहा हूं। महेंद्र बाबू, ये सच में जो गाया, मेरी तबीयत अच्छी नहीं थी, फिर भी मैंने रिकॉर्डिंग की। मुझे लगा कि नहीं रे मोइनुद्दीन, मरने से पहले कुछ ऐसा गा के चला जा कि दुनिया जब तुझे याद करे तो एक हिंदुस्तानी की तरह याद करे। इसलिए मेरा दिल जिगर और मेरी जान थी, 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 मेरा दिल जिगर और राम जी और भरत जी का मिलाप कैसे हुआ था?
कितना स्नेह था उसने, वैसा प्रेम कर लो। भरत राम की तरह कर लो मिला, 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 कर लो मिला। इतना करम संगठन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए, मेरी जान जाए। आप कहीं ख्यालों में, ख्यालों से बाहर निकलिए, क्योंकि शौहरत की मीनार पे चढ़ के कब तक यूं इतराओगे, और तन्हाई जब धोखा देगी मुंह के बल गिर जाओगे, और कांच का जिस्म लिए फिरते हो, कांच का जिस्म लिए, ये कांच का टुक है जिसमें, बोले मैं तो हवा हूं, किस तरह पहरे लगाओगे, और महसूस ही करोगे मुझे छू ना पाओगे, और कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, और पानी बरस गया तो किसे मुंह दिखाओगे। तिरंगा लेकर के आए छत्तीस, और मित्रों एक सजीवन इस मंच पर दिल से कह रहा हूं, मैं अंदर मैं करवा रहा हूं, और उसके लिए ये रचना गाई है मैंने। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, ये जज्बा जगाना चाहता हूं। हो गई है पीर पर्वत सी निकलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, वो कहीं भी आग लेकिन आग लगनी चाहिए, वो कहीं भी आग। ये बैठ जा अभी, लेकिन अभी रखना। जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, 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 शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। अब देश की जो रक्षा करते हैं, दो लोग रक्षा करते हैं, एक तो वो फौजी सैनिक जो कारगिल द्रास और कश्मीर पूरी सीमा पर तैनात है, वे रक्षा कर रहे हैं तो हम सुरक्षित हैं। अब देश में कौन देश की रक्षा कर रहा है? संत कर रहे हैं, संत उपदेश दे रहे हैं और सबको बुराइयों से बचा रहे हैं। ये सत्संग में भी ये भी देश की सेवा हो रही है। तो ये बोल तो ये थे कि जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, मैंने करेक्शन किया और बहुत सोच समझ के करेक्शन किया। जो सत्संग में मुझको शहादत मिले, जो सत्संग में मुझको शहादत मिले, जो सत्संग में मुझको शहादत मिले, जो सत्संग में मुझको शहादत मिले। देखिए सत्संग में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो सीधा स्वर्ग में, मगर फिर भी मैं स्वर्ग भी चाहता हूं और
मेरा तिरंगा नहीं झुकना चाहिए, मेरा तिरंगा सदैव ऊंचा रहे, मेरा झंडा हमेशा ऊंचा रहे। जो सत्संग में मुझको शहादत मिले, जो भक्ति में मुझको शहादत मिले, याद रख लेना ये बात। अगर कभी आपको ये पता लग जाए कि मोहिउद्दीन मर गया है और उसके जनाजे की तैयारी है, तो इतना काम करना ये आपका दायित्व है। जो सत्संग में मुझको शहादत मिले, जो सत्संग में मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, वो तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। और एक काम और भी करना, ये भगवा उड़ाना कफन के लिए, भगवा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए। एक माता ने ऐसे पुत्र जने, एक माता ने ऐसे पुत्र जने, एक सैनिक बना एक साधु बने, एक सैनिक बना एक साधु बने, एक वतन एक आत्म के वास्ते। अरे ना मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, ओ ना मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, न मैं हुस्न की अंजुमन चाहता हूँ, न मैं प्यारी प्यारी ये दुल्हन चाहता हूँ, न मैं चांद जैसा ललन चाहता हूँ, न मैं रोशनी की किरण चाहता हूँ, न बस्ती न सहरा न बन चाहता हूँ, न मैं आलिशान एक भवन चाहता हूँ, न मैं कीमती पैरहन चाहता हूँ, न पैसा न गाड़ी न धन चाहता हूँ, अरे न हीरे न लालू ये मोहर चाहता हूँ, न गुलशन न मेहंदी ये चमन चाहता हूँ, न कलियों का मैं बाकपन चाहता हूँ, न गुलनोर न मैं गुलबदन चाहता हूँ, अरे खुदा मैं तो, देखिए विशेष ध्यान दीजिएगा, अरे खुदा मैं तो यही चमन चाहता हूँ, मैं ही धरती गंगो चमन चाहता हूँ, अरे मरूं भी तो खाके वतन चाहता हूँ, मरूं भी तो खाके वतन चाहता हूँ, तिरंगे का अल्लाह कफन चाहता हूँ, तिरंगे का अल्लाह कफन चाहता हूँ, अरे जो सरहद पे मुझको सत्संग में मुझको शहादत मिले, सत्संग में मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, जो सरहद पे मुझको शहादत मिले, शहादत मिले, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा, मैं भारत माँ की जय
नहीं बोलूंगा। किसने कही ये बात? किसने कही ये बात? किसने? जोर से बोलो नी। अकबरुद्दीन ओवैसी। हाँ, उसने कहा कि मैं भारत माँ की जय नहीं बोलूंगा। तो आपके मोइनुद्दीन ने हैदराबाद जाकर के बेगम बाजार में सत्संग जी, और जिसमें वहाँ के विधायक राजा सिंह जी, आप सभी लोग जानते होंगे राजा भैया, वो थे मंच पे मेरे साथ। हाँ, वो थे मंच पे। तो वहां पर मोइनुद्दीन ने बिल्कुल खुले बोला, मैंने कहा कि जो भारत माँ की जय, जो भारत माँ की जय कहने को तैयार नहीं है, जो भारत माँ की जय कहने को तैयार नहीं है, तो ये भारत में उसे रहने का अधिकार नहीं है। इसलिए तिरंगा ओढ़ा कफन के लिए, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, मुझे तिरंगा ओढ़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, ओ तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तिरंगा उड़ाना। तुझे सलाम के लिए तिरंगा उड़ाना कफन के लिए, तुझे सलाम ऐ मां, तुझे सलाम ऐ मां, तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। भारत माता की जय हो।